हेलो फ्रेंड्स, वॉम वेलकम टू माय चैनल। वेल दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं एक और कंपनी के बारे में जिसने हाल ही में अपना बोनस डिक्लेयर किया है। अभी दो दिन पहले ही मैंने KNR कंस्ट्रक्शन, जिसका जो बोनस एग्जीक्यूशन डेट था, उस दिन सुबह मैंने वीडियो बनाया था, क्योंकि काफ़ी लोगों को थोड़ा सा क्वेरी था कि मेरा अचानक से 50% लॉस क्यों दिखा रहा है। ऑब्वियसली दोस्तों, मैंने जैसे बताया 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया था KNR ने। ऑब्वियसली 1:1 का मतलब यह होता है कि आपका शेयर एक के बदले आपको एक मिलेगा। डेफिनेटली आपके शेयर्स डबल हो रहे हैं, लेकिन आपका जो शेयर प्राइस है वो हाफ हो जाता है। दैट इज़ द रीज़न एग्जीक्यूशन डेट के दिन वो आपको 50% डिस्काउंट पे दिख रहा था। आपको इस पे घबराने वाली कोई बात नहीं है। 2 हफ्ते का टाइम लगता है, उसके बीच में आपके जो एक्स्ट्रा शेयर्स थे, जो कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास अकाउंट में थे, उतने नंबर ऑफ शेयर्स आपके अकाउंट में फिर से क्रेडिट हो जाएंगे। तो उस पे सोचने वाली कोई बात नहीं है। उसी ट्रैक पे चलते हुए आज हम बात करेंगे एक और कंपनी के बारे में जिसने भी अपना बोनस डिक्लेयर किया। उस कंपनी का नाम है, जैसा कि आप स्क्रीन पे मैंने स्टार्टिंग में फ्लायर में आपने देख लिया होगा, उस कंपनी का नाम है एस्ट्रल पाइप्स। सो दोस्तों, ये जो कंपनी बेसिकली एस्ट्रल पाइप्स है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपने कमर्शियल्स में देखा ही होगा कि ये जो आपका है, इसका ऐड जो करते हैं वो सलमान खान ऐड करते हैं। तो बहुत ही पुराना ब्रांड है इन टोटैलिटी, ऐसा नहीं है कि बहुत नया कंपनी है। एंड इसका सिंपल एग्जांपल आपको इसीलिए दिख जाएगा क्योंकि इसका जो शेयर प्राइस है, दैट इज़ ट्रेडिंग एट समवेयर अराउंड 2000 रुपीज़। 2000 का शेयर है तो छोटा मोटा कंपनी ऑब्वियसली नहीं है। कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा इस पर गिरावट आया था, 750 के लेवल तक चला गया था, वहाँ से फिर 2000 के लेवल तक आ गया है। तो अभी कंपनी के लोगों को लगा होगा कि उन्होंने अच्छा खासा अर्न किया है, रेवेन्यूज़ उनके अच्छे आए हैं, तो दे थॉट ऑफ गिविंग बैक इन टर्म्स ऑफ बोनस। सो बोनस वो शेयर्स दे रहे हैं। अब जो बोनस शेयर्स है उसका रिकॉर्ड डेट अभी तक कंपनी ने अनाउंस नहीं किया है। सो दोस्तों, बहुत सिंपल है। मैंने आरती ड्रग्स का एक पुराना वीडियो बनाया था, एक मेरा प्लेलिस्ट भी बना हुआ है बोनस का, पूरा एंड टू एंड मैंने उसमें कवर किया था, राइट फ्रॉम जब कंपनी ने अनाउंस किया था, जब आपके अकाउंट में शेयर आए थे, पूरा का पूरा करीब 15-20 वीडियो होंगे। उसी सीरीज में मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई कंपनी का डिक्लेरेशन आता है तो कंपनी तुरंत आपको बोनस शेयर्स नहीं देती। पहले कस्टमर के थ्रू बैलेट होता है, जहां पे भेजा जाता है, जो शेयर होल्डर है उनको लेटर्स भेजे जाते हैं, उनका अगर अप्रूवल मिलता है तब जाके वो एग्जीक्यूट होता है, एंड देन जो प्रोसेस है उसका स्टार्ट होता है। एंड जो बोनस का पीरियड है वो 2 हफ्ते का टाइम लगता है, तो इट्स लाइक 2-2.5 महीने का टाइम लगता है। सो दोस्तों, अभी अगर अनाउंसमेंट हुआ है, अभी ऑलमोस्ट ये फरवरी का फर्स्ट वीक है, तो आप मान के चल सकते हैं मार्च अप्रैल एंड तक आपका मिनिमम टाइम लगेगा। तो आपके पास काफ़ी टाइम है, अगर आपको लगता है बोनस आपको लेना चाहिए अभी, तो आराम से 2 महीना आप वेट कर सकते हो। लेकिन ये वीडियो मैं आज इसीलिए बना रहा हूँ ताकि एक ओवरऑल आपको आइडिया दे दूँ कि बोनस है क्या, कितने शेयर्स हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ एक कैलकुलेशन मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा लोगों को मन में क्वेश्चंस रहते हैं कि ये कितने शेयर्स मुझे मिलेंगे, कितने बोनस शेयर्स मुझे मिलेंगे, अगर कम मेरे पास शेयर्स हैं तब मेरा क्या होगा, फ्रैक्शन में अगर मेरे परसेंटेज बनते हैं तो क्या हुआ। क्योंकि 1:1 या फिर 1:5, ये ऐसे नंबर्स में क्या होता है कि आपका जो डिवीजन है वो इजी होता है, लेकिन अगर कंपनी थोड़ा सा ऑड नंबर पे अपना डिक्लेयर करती है, जैसा आरती ड्रग्स में डिक्लेयर किया था, तो अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस कंपनी ने भी एग्जैक्टली उसी पैरामीटर में ही अपना बोनस डिक्लेयर किया। तो जो बोनस कंपनी ने बताया है, दैट इज़ 1:3। अगर हम पढ़े लेफ्ट साइड से, उसका पढ़ने का तरीका होता है कि यू विल गेट 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 3 इक्विटी शेयर्स हेल्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कंपनी के 3 शेयर है तब जाके आप 1 शेयर के लिए एलिजिबल हो गए, 1 शेयर आपको फ्री में मिलेगा। तो दोस्तों, ऑब्वियसली फ्री नहीं है, कंपनी एक पैसा भी अपना फ्री पे किसी को नहीं देती है। हालांकि बोनस शेयर है फ्री में आपको इसीलिए मिल रहा है क्योंकि आपको इसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे, लेकिन देर इज ऑलवेज अ प्राइस कट, देर इज ऑलवेज अ प्राइस करेक्शन। आपने शेयर लिया, जब वो आपको बोनस मिल जाएगा तो आपको दिखेगा कि प्राइस में करेक्शन हो रहा है। क्या प्राइस में करेक्शन हो रहा है, मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल के साथ में आपको बनाऊंगा, तो वीडियो में जरूर बने रहे। एक मैंने बढ़िया से एक्सेल शीट बनाया है, वहां पे मैं बहुत अच्छे से आपको एक केस बाई केस 2-3 एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा। सबसे पहले बोनस का तो हमने समझ लिया, 1:3 का बोनस है, इसका मतलब क्या है कि हर 3 शेयर पे आपको 1 शेयर मिलेगा। तो ऑलमोस्ट मान के चल सकते हैं 33% आपको एक एडवांटेज मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया, ये स्क्रीनशॉट भी आपको दिख रहा होगा। तो अगर हम पहला एग्जांपल देखें, सबसे पहला एग्जांपल, तो मान के चलते हैं किसी के पास 100 शेयर्स थे, नंबर ऑफ शेयर्स 100, एंड देन होल्डिंग प्राइस पर शेयर वॉज 1000। एक शेयर 2000 का है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए मैंने उसको 1000 पकड़ा है। तो 1000 का अगर शेयर होल्डिंग है तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम्स टू 1 लाख रुपीज़, क्योंकि उसका टोटल इन्वेस्टमेंट है 1000 × 100, 1 लाख रुपीज़। अभी मैंने क्या कहा कि हर 3 शेयर पे आपको 1 शेयर मिलेगा, तो एक्चुअली यू आर गेटिंग 33% रेज इन नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर आपके कितने बन गए, 133.33 शेयर आपको कभी मिलता नहीं है, बिकॉज हमारे
यूएस मार्केट में फ्रैक्शन शेयर में ट्रेड होता है, हमारे इंडियन मार्केट में नहीं होता, तो ये 0.33 कहाँ जाएगा? तो दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि 0.33 का होगा, तो एक्चुअली होता ये है, वो जो 0.33 है उसके आपको मिल जाएंगे पैसे, वो आपको मिल जाएगा अकाउंट पे क्रेडिट। तो देखिए जो कैश आउट अमाउंट है वहाँ पे मैंने मेंशन किया 247 रुपीज़ 50 पैसे। ये क्यों मेंशन किया? क्योंकि आपके पास थे 100 शेयर्स, 100 शेयर्स बढ़ के हो गए 133 शेयर्स, लेकिन 33% ऐड करने पे 0.33% बच जा रहा है। तो 0.33 इंटू द प्राइस ऑफ द स्टॉक, द करेक्टेड वैल्यू, जिसका वैल्यू अभी 750 है। 750 क्यों है? तो मैंने बताया कि हर 3 शेयर पे आपको 1 शेयर मिल रहा है, तो जिसके पास 3 शेयर है उसके अभी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 3+1 4, तो अभी आपके पास हो गए 4 शेयर। अगर आपके पास 1000 रुपये का शेयर हुआ करता था, जो आपके पास 3 शेयर थे, अभी वही आपके पास 4 शेयर हो गए, लेकिन वो शेयर का वैल्यू हो गया 750, 25% करेक्शन। जैसे ही वो उस पर करेक्शन आपको दिख रहा है शेयर के वैल्यू पे, सेम वैसा ही करेक्शन आपको इसके प्राइस पे भी नजर आएगा करेक्शन होते हुए, ठीक है? तो अगर अगर हम दूसरी एग्जांपल की बात करें, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पहला एग्जांपल मैंने आपको बताया 100 शेयर्स का, ठीक है? सेम चीज, वो तो बहुत बड़ा वैल्यू, वो बहुत बड़ा फिगर के लिए हो गया। अब आते हैं हम दूसरा वाला एग्जांपल, जो कि मैंने सेकंड लाइन पे लिखा है, देखिए वो 10 शेयर का है। किसी के पास 10 शेयर है, सेम 1000 का होल्डिंग है, तो उसका 10000 का होल्डिंग है, 10 शेयर के उसके हो जाएंगे 13 शेयर्स, लेकिन 0.33 जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसके उसको मिल जाएंगे क्रेडिट्स, दैट इज 247 रुपीज़। तो अगर आप देखो होल्डिंग, अगर आप कैलकुलेट करो, अगर आपके पास 100 शेयर थे 10 रुपये के भाव पे, माफ कीजिएगा 10 शेयर थे 1000 के भाव पे, आपका होल्डिंग था 10000, अभी आपके पास 750 शेयर जो है, 750 के भाव पे जो शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास है 13, तो 750 × 13 आप करें तो आपको देखिएगा अमाउंट वही आ रहा है। तो यू आर नॉट एक्चुअली पुटिंग एनी एक्स्ट्रा मनी, और योर मनी इज ऑल्सो नॉट गेटिंग इंक्रीज, बस द नंबर ऑफ शेयर्स एंड द प्राइस ऑफ योर होल्डिंग एक्चुअली चेंजेस, दैट इज व्हाट द बोनस इज। थर्ड एग्जांपल देखिए दोस्तों, 5 अगर आपके पास शेयर है, तो आपका अगर जो शेयर मिलने के बाद में बोनस आपका जो परसेंटेज वो बन रहा है, दैट इज 6.67 शेयर्स, तो 6 शेयर्स आपके हो जाएंगे, 5 शेयर है, 5 के आपके बन जाएंगे 6 शेयर्स, लेकिन वो जो 0.67 है उसके आपको मिल जाएंगे पैसे, एंड दैट अमाउंट कम्स टू डबल ऑफ 247। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 502 रुपया 50 पैसा। फाइनल एग्जांपल मैंने इसीलिए बताया है 2 शेयर्स का, क्योंकि मेरे एक दोस्त भाई हैं, उन्होंने मुझे कमेंट में पूछा है, बहुत ही वाजिब सवाल पूछा है कि सर आप तो बोल रहे हो कि बोनस शेयर है या फिर कंपनी ने डिक्लेयर किया 3 पे 1, तो मेरे पास 3 शेयर है तो मुझे 1 शेयर मिल रहा है, लेकिन अगर मान के चले मेरे पास 3 शेयर नहीं है, मेरे पास 2 शेयर है, तब क्या होगा? तो दोस्तों सिंपल कैलकुलेशन ये है कि क्योंकि 3 शेयर पे आपको 1 शेयर मिल रहा है, आपके पास अगर 2 शेयर है तो ऑब्वियसली आपको कोई बोनस शेयर नहीं मिलेगा, लेकिन प्राइस करेक्शन डेफिनेटली होगा, क्योंकि प्राइस करेक्शन ओवरऑल कंपनी में होता है बोनस एग्जीक्यूट होने के बाद में। तो प्राइस करेक्शन होने के बाद में आप देखिए, अगर आपके पास 2 शेयर है एंड 1000 के भाव पे आपने लिए हैं, 2000 का आपका इन्वेस्टमेंट है, प्राइस करेक्शन होने के बाद में नंबर ऑफ शेयर्स आपके बनते हैं 2.67, तो 2 शेयर आपके थे, अभी भी आपके 2 ही शेयर रहेंगे, लेकिन जो प्राइस आपका वैल्यूएशन है वो आपका हो जाएगा 750 का। उस हिसाब से आप देखो 750 × 2, तो करीब करीब वो आता है 1500 रुपये। तो 1500 रुपये का आपका होल्डिंग होगा, आपके पास 2 शेयर्स थे, आप बोलोगे आप 500 रुपये तो मेरा लॉस हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो फ्रैक्शनल अमाउंट है 0.67, वो मल्टीप्लाइड बाई 750 विच कम समवेयर अराउंड 500 रुपीज़, दैट विल एक्चुअली बी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैलकुलेट करना है। अभी भी आपके मन में डाउट है तो सिंपल कैलकुलेशन है, जस्ट 33% आपको निकालना है, आपके पास जितने भी होल्डिंग है उसके साथ आपको ऐड कर देना है 33% ऑफ दैट होल्डिंग, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स टोटल वो बन जाएंगे, एंड उसके बाद जितना भी आपका अभी का होल्डिंग प्राइस है उसको आप डिवाइड कर देंगे जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है, तो आपको एक टेंटेटिव करेक्टिव प्राइस मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे, आपने स्क्रीनशॉट भी अगर लेके रखा है, नहीं लिया तो आप लेके रख सकते हो, कैलकुलेट करें, मैंने 100, 10, 5 एंड 2 4 एग्जांपल दिए हैं, तो आप अपने हिसाब से मल्टीपल से निकाल ही सकते हो। अगर आपके पास 100 शेयर है, अगर आपके पास 110 शेयर है, आपके पास 50 शेयर है, आपके पास 15 शेयर है, तो हर मल्टीपल से आप कैलकुलेट कर सकते हो एंड ऐड करके देख सकते हो कितना आपको कैश में मिल जाएगा, कितने आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ये प्रोसेस होने में एटलीस्ट 2 से 2.5 महीना टाइम लगता है, तो काफ़ी टाइम है, जब भी कोई अपडेट मिलेगा मैं डेफिनेटली इस पर अपडेट करूंगा। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चैनल के ग्रोथ के लिए। अपने तरफ से मैं कोशिश करता हूं आपको सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन बताऊं, साथ ही जितने आपके कमेंट्स होते हैं, ऐसा कोई कमेंट नहीं है जिसका मैंने आज तक रिस्पॉन्स नहीं दिया है, मैं हमेशा कमेंट्स की क्वेरी
जो भी आपका रहता है सारा मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। आप भी मुझे सपोर्ट करें, मैं भी आपको ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देता रहूँगा। वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहो मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हो, ट्विटर टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, मेरे दिए गए प्राइवेट चैनल पर टेलीग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो, जहाँ जो भी शेयर्स मैं बाई सेल करता हूँ मैं वहाँ शेयर कर देता हूँ। अगर आप चाहते हो मेरे ट्रेड्स को फॉलो करने के लिए, यू आर मोर देन वेलकम। थैंक यू सो मच, मैं बहुत जल्द हाजिर होता हूँ कोई नया कंटेंट लेके।